my dear students, welcome back to Magnate Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator, और आज हम discuss करेंगे repressed memories के बारे में. Chapter number 7, human memory हम पढ़ रहे हैं और इस chapter से related हमने बहुत सारे topics को discuss किया है हमारे previous lectures में. I hope so आपने memory में अब तक हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से clear होगा, समझ में आ गया होगा और इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद में आपकी मेमोरी भी अच्छे से काम कर रही होगी. कर रही है या नहीं कर रही है बताओ. मेमोरी में चेंजेस कुछ किए हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कैसे मेमोरी को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, कैसे मेमोरी रिप्रोड्यूस करती है, कैसे मेमोरी को बनाया जाता है. मेमोरी मेकिंग भी हमने पढ़ा है, फॉरगेटिंग हमने पढ़ा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो आई होप सो आपने भी इन सारी चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा. ये मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो सो यू आर अ ट्रू साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट. ठीक है, साइकोलॉजी स्टूडेंट, जहाँ पर जो भी आप पढ़ते हो उसको आप रियलिटी में देख पा रहे हो, उस चीज को आप फील करते हो, ऑब्जर्व करते हो, है ना. क्योंकि जैसे अगर आपको पता हो जब हमने साइकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर लिया था, ठीक है, जब फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट ही किया था तभी हमने बात करी थी कि साइकोलॉजी में आप ये सारी चीजें, इतने सारे उसके स्फीयर्स होते हैं, स्कोप होते हैं, सब कुछ पढ़ते हो. बट देर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पर आप खुद को पढ़ते हो. साइकोलॉजी इज ऑल्सो अबाउट नोइंग योर सेल्फ, है ना. सो आप इतना सारा कुछ पढ़ रहे हो, लर्निंग पढ़ा है, सेंसेस पढ़ा है, परसेप्शन पढ़ा है, मेमोरी पढ़ा है, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, आई होप सो, है ना, और चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी. तो अब हम बात करेंगे रिप्रेस्ड मेमोरीज की और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. अभी तक आप इतना सारा मेमोरीज वगैरह को पढ़ रहे थे, आपने फॉल्स मेमोरी के बारे में पढ़ा, आपने आई विटनेस मेमोरी के बारे में पढ़ा, तो उसी में आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है रिप्रेस्ड मेमोरीज. क्लियर, सॉरी. सो सम इंडिविजुअल्स अंडरगो एक्सपीरियंसेस दैट आर ट्रॉमेटिक. अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इमोशनली हर्ट्स अ पर्सन. सो सिगमंड फ्रॉयड पॉजिटेड दैट सच एक्सपीरियंसेस आर रिप्रेस्ड इनटू द अनकॉन्शियस एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर रिट्रीवल फ्रॉम द मेमोरी. देखो, हम सभी के साथ में बहुत बार कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंसेस होते हैं जो हम नहीं चाहते थे कि हो. मतलब बहुत बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है या हम कुछ ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं जो शायद हम कभी नहीं करना चाहते थे, बट स्टिल क्योंकि वो लाइफ है ना, जो भी है चलती रहती है, ये सारी चीज़ें तो आती ही हैं. तो वैसे ही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. बहुत बार इन अप्स एंड डाउन्स में कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशंस भी आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी लव्ड पर्सन की डेथ हो जाना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिसको पसंद करते थे, आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उसका आपसे दूर चले जाना. और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने अपनों को खो देते हो या उनसे बहुत दूर चले जाते हो, या फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी लोगों के साथ में थे सब ने आपको डंप कर दिया है. तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत बार, मतलब ऐसा होता है ना कि एक पर्सन को बिल्कुल डीपली अफेक्ट करती हैं, समझ रहे हो. तो यहाँ पर उन्हीं रिप्रेस्ड मेमोरीज की बात हो रही है कि बहुत बार हम सभी की लाइफ में, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो. ठीक है, अब आप सबके भी सेंटिमेंट्स बाहर आ रहे होंगे, है ना, पढ़ते पढ़ते. हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी एक ये इंसिडेंस हुआ था, मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड था या बेस्ट फ्रेंड थी और वो फिर बाद में दूर चली गई, और या ऐसे रिलेटेड. ओके, सो बहुत बार ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं. कैसे हर्ट होते हैं? इमोशनली हर्ट होते हैं. मेमोरीज इज अ पार्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस आल्सो इंक्लूड इमोशंस. सो जब आप इमोशनली हर्ट हो, आपको किसी चीज को लेके बहुत बुरा लग रहा है, आप बहुत ही डीपली हर्ट फील कर रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या ये दुनिया है, ये सारा संसार सब कुछ झूठ है और सब कुछ मतलब जो है गलत है, मेरे साथ में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, जब हम बहुत बिल्कुल लो फील करते हो जब आप, ठीक है. सो सिगमंड फ्रॉयड ने इसके बारे में कहा है एंड ही पोजिटेड कि ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दीज आर रिप्रेस्ड इनटू द अनकॉन्शियस एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर रिट्रीवल फ्रॉम मेमोरी. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रेशन. पेनफुल, थ्रेटनिंग, एम्बैरेसिंग मेमोरीज आर हेल्ड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस. सिगमंड फ्रॉयड ये बोलते हैं कि ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियसनेस में रिप्रेस हो जाते हैं और हम उनको बार बार याद नहीं करना चाहते हैं. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो,
ठीक है, हो सकता है आपके कोई फ्रेंड हो या मे बी आपकी फैमिली में ऐसा कोई हो या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ हो कि आपका कोई बहुत ही क्लोज पर्सन था जिसकी किसी रीज़न से डेथ हो जाती है और अब वो आपके साथ में नहीं है। बहुत बार मतलब ऐसे जनरली हम देखते हैं, ठीक है, दैट इज़ रियली वेरी वेरी हर्टफुल, बट बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी के पेरेंट्स की कोई मतलब किसी रीज़न से एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है या किसी के घर में किसी सिबलिंग की डेथ हो जाती है या फिर हमारे जो लव्ड पर्सन होते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं और हम इन सारी चीज़ों को सहन नहीं कर पाते, ठीक है। बट दिस इज़ लाइफ, लाइफ तो आगे चलेगी ही और हमको इसी तरीके से जीना भी है, उनके बिना जीना है, तो हम क्या करते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं और हम उन मेमोरीज़ के बारे में कभी नहीं सोचना चाहते क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो वो चीज़ हमको हर्ट करेगी। जस्ट सपोज दिस इज़ एक्स पर्सन और इसके फादर की डेथ हो जाती है, अर्ली डेथ, हम बात कर रहे हैं अर्ली डेथ की, क्योंकि डेथ तो एक दिन सभी की होनी है ना, लेकिन जब अर्ली डेथ हो जाती है तब हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये जो एक्स पर्सन है ये सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड था जब इसके फादर की डेथ हो गई। अब इसको ऑब्वियस है बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, बहुत ही थ्रेटनिंग होगा इसके लिए, मतलब बिल्कुल आप तो सोच भी नहीं सकते हो, है ना, कि किस तरीके का इस पर्सन ने फील किया होगा। लेकिन अब देखो कुछ टाइम तक उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, बहुत डिस्टर्ब रहेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, बट देयर कम्स अ टाइम कि अब इसको लाइफ में आगे बढ़ना है। अब ये इस एक पॉइंट पर आकर रुक तो नहीं सकता क्योंकि लाइफ तो आगे बढ़ेगी ही, सब आगे बढ़ेंगे, हम अकेले पीछे नहीं रह सकते, तो हमको आगे बढ़ना होता है, है ना। मतलब दिस इज़ द रियलिटी कि लाइफ है वो चलती रहेगी, आपको उसके साथ में चलना है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो पर्सन की लाइफ में होती हैं। किसी की लाइफ में बहुत ही बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं, किसी की लाइफ में छोटी छोटी होती हैं, लेकिन सबके लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम बड़ी होती है ना, बट हमको लाइफ में आगे तो बढ़ना है, तो ये एक्स पर्सन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा और ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की चीज़ किसी के भी साथ में हो। और दूसरी बात, वो इस ये जो एक इंसिडेंस हुआ है इससे रिलेटेड जो भी मेमोरीज हैं वो उनको रिकॉल नहीं करना चाहेगा, ठीक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो चीज़ें बार बार उसके साथ में कभी ऐसी कोई मेमोरी बार बार हो या वो यादें बार बार उसको आएं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनली हर्ट हो जाए। मतलब देखो इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं है कि अगर इस पर्सन के फादर की डेथ हो गई है सो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके फादर के बारे में वो सोचे, नॉट दिस वे, लेकिन इस तरीके का जो इंसिडेंस है उस एक टाइम पर उसने क्या फील किया होगा, किस तरह का मतलब उसको कितना ज़्यादा वो डीपली अफेक्ट हुआ होगा, कितना ज़्यादा वो इमोशनली मेंटली हर्ट होगा, वो कभी नहीं चाहेगा वो टाइम पर उसने जो फील किया उसको वो कभी आगे भी फील करे। क्लियर आया समझ में? जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ में कोई कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें आपकी लाइफ में सारा सब कुछ बिल्कुल जो है मतलब तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है, आप कभी नहीं चाहोगे ये चीज़ दोबारा आपके साथ में हो, तो हम जनरली उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम उसको मेमोराइज नहीं करना चाहते हैं। क्लियर? सो देखो जैसे ये आपकी मेमोरी है तो आपकी मेमोरी में तो सारी चीज़ें हैं, कुछ आपकी बैड मेमोरीज भी होंगी ना, बैड बोलूं या रिप्रेस्ड मेमोरीज बोलूं, जिसमें आपको किसी तरह का पेन हुआ हो, किसी तरह का थ्रेट हुआ हो, किसी तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई हो, तो हम कभी नहीं चाहते कि वो चीज़ हमारे साथ में दोबारा हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट पेन बट और कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ही एम्बैरेस्ड हो गए थे, कभी आप ये चीज़ देखते हो गए? मतलब देखो ये मेरे साथ में होता है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल आपको बहुत देती हूँ, मैं आपको ये चीज़ दोबारा बताऊँ कि ये चीज़ मेरे साथ में तो होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कभी किसी सिचुएशन में थी एंड वहां पर मुझे किसी तरीके से मेरे किसी एक्ट की वजह से बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, मुझे भी बहुत एम्बैरेसिंग लगा, तो मैं उस चीज के बारे में अगर कभी वो मुझे मेमोरी जो है वापस ऐसे फ्लैश होती है ना तो मैं उसको वहीं रोक देती हूँ कि नहीं 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 इसके बारे में नहीं सोचना, दैट्स एम्बैरेसिंग, वो कहीं ना कहीं मेरे मेंटल पीस को हर्ट करेगा, सो आई वोंट थिंक अबाउट दैट। आ रहा समझ में? तो ऐसे हमारे साथ भी होता है, कभी कभी ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं बहुत एम्बैरेसिंग होती है और कुछ ऐसा हो जाता है जो हम चाहते हैं कि अरे यार ये चीज़ दोबारा कभी ना हो, एंड इसके साथ में वो चीज़ आपको अफेक्ट भी कर रही है, वो आपको किसी तरीके का ट्रॉमा, किसी तरीके का इमोशनल हर्ट आप उस एक चीज़ की वजह से फील कर रहे हो। ओके सो आप क्या करते हो, आप उस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचना चाहते, आप कभी नहीं चाहते कि इस तरह की मेमोरी बार बार फ्लैश हो, आप कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह की मेमोरी जो है वो बार बार फ्लैश हो।
Now, in some persons, traumatic experiences may give rise to psychological amnesia. अब कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, मे बी वो बहुत वाइड होते हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल एमनेशिया उनको हो जाता है या साइकोलॉजिकल एमनेशिया होने लग जाता है. क्या है ये, इसको हम यहीं पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो सम इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस क्राइसिस एंड आर अटरली इनकैपेबल ऑफ कोपिंग विद सच इवेंट्स. सो दे क्लोज देयर आईज, ईयर्स एंड माइंड टू सच हार्श रियलिटीज एंड लाइफ एंड टेक मेंटल फ्लाइट फ्रॉम देम. आपने कभी देखा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सबके साथ में ये चीज़ होती है, आपके साथ में हो सकता है इस स्टेज पर हो या ना हो, बट लेटर ये चीज़ सबके साथ में होती है. सबके हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, बहुत बार हम बहुत ही हर्ट भी फील कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं. देखो एक एक चीज़ होती है ना कि एक आप बहुत ही खुश रहते हो, कभी कभी ऐसा होता है. मैं आपको एक जीवन का ज्ञान देती हूँ आज. सो देखो बेसिकली ये चीज़ सबकी लाइफ में होती है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. आज अगर आपका दिन बहुत अच्छा है तो कल हो सकता है दिन उतना ज़्यादा अच्छा ना हो. आज अगर आपका दिन बहुत बुरा है सो यू शुड नॉट बी लाइक कि ओ मेरे साथ तो पूरी दुनिया का बुरा हो रहा है और मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता है और मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता है. यू शुड नॉट बी लाइक दैट. आज अगर आप डाउन हो तो कल आप वापस से अप पर जाओगे. अप एंड डाउन ये तो बिल्कुल लाइफ में चलता ही रहता है ना. अप्स एंड डाउन्स है तो मतलब कभी आप बहुत खुश होगे, कभी आप बहुत ही ज़्यादा पेन में होगे, कभी आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, कभी आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा किसी चीज़ को लेके, कभी आप बहुत ही डाउन फील करोगे, कभी आप हाईली मोटिवेटेड फील करोगे. ये लाइफ है ना, मतलब ये सारी चीज़ें लाइफ के अंदर होती हैं. अब जैसे आप लोग का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. बहुत बार आप लोग भी ऐसे हो जाते हो कि जैसे मान लो रिजल्ट आया, ओके, रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए. अभी आपको पता है ना कि रिजल्ट वगैरह टेंथ के भी आपके आए होंगे, ट्वेल्थ के भी रिजल्ट्स आए थे और मैग्नेट ब्रेन्स पर हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा जिनके 99% मार्क्स, एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब और बहुत ही ये मतलब एक तरह का प्राउड मोमेंट भी है ना कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपने इतनी मेहनत करी. इवन मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मैं जब टेंथ में थी तो मेरे कभी इतने आ भी सकते होंगे. आई वॉज लाइक 95 ये मेरा टारगेट है बस. ओके, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को देखा इतने इतने मार्क्स आते हैं. बट देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है आपके इतने मार्क्स आते हैं, दैट्स वेरी 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 गुड, और आप लाइफ में आगे मेहनत करो. नाउ देयर आर अ सेकेंड कैटेगरी जहाँ पर एक एवरेज मार्क्स आते हैं. एवरेज मार्क्स जनरली आप देखोगे उन स्टूडेंट्स के आते हैं जैसे अगर उनका टारगेट है 90, उनका टारगेट है 80, तो वो कहीं ना कहीं 70-60 पे आके अटक जाते हैं. एक एवरेज तक उनके मार्क्स आते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जो शायद फेल हो गए हों या किसी तरह का सप्लीमेंट्री आ गया हो, ये सारी चीज़ें भी होती हैं. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम बड़े परेशान, बड़े दुखी, अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, अरे हमारे नंबर तो बहुत कम आए, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए, हमारे फ्रेंड्स के ज़्यादा आ गए, अब हमारी फैमिली हमसे क्या बोलेगी, होती है ना. ये सारी बेसिक चीज़ें सबके साथ में होती हैं ये चीज़ें. मतलब मैं कब, जब मैं ट्वेल्थ क्लास में थी, ठीक है, मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. मैं जब ट्वेल्थ क्लास में थी हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है, मुझे वो कॉलेज चाहिए था. और मतलब मुझे ऐसा था कि आफ्टर ट्वेल्थ मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेज से पढ़ाई करनी है, मुझे और कहीं नहीं जाना है. ओके, लेकिन उस कॉलेज में जो कट ऑफ लिस्ट होती थी ना परसेंटेज की, वो बहुत ही ज़्यादा होती थी. ओके, तो अब मेरा एक टारगेट था कि, और ऊपर से वहाँ पर जो है रिजर्वेशन वगैरह भी होता था, ये सारी चीज़ें भी रहती थी. तो और मैं जनरल कैटेगरी से, तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे बहुत सारे मार्क्स चाहिए, मतलब मुझे परसेंटेज तो चाहिए ही चाहिए हैं ताकि मेरा एडमिशन हो जाए. क्योंकि अगर वहाँ पर मुझे एडमिशन नहीं मिला तो मैं, मुझे ऐसा लगता था कि वही मेरे लिए बेस्ट कॉलेज है, मुझे और कहीं नहीं जाना है. तो और मुझे ये भी पता था कि अगर मुझे वहाँ एडमिशन नहीं मिला और उसके बाद में भी मैं ट्राई करती हूँ तो फिर वहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है लाइक पेमेंट सीट वाला, तो फिर आपको जो फीस है उसका 5 गुना ज़्यादा देना पड़ता है. ओके, तो मेरे माइंड में ये चीज़ पहले से सेट थी कि मुझे उसी कॉलेज में जाना है एंड आई वॉज डूइंग ऑल माई एफर्ट्स उसके लिए, ठीक है. तो मेरा ऐसा ट्वेल्थ में टारगेट था कि मुझे 95% तो लाना ही लाना है. इवन 95+ है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 95 तो लाना ही लाना है. सो मेरा मतलब मेरे सारे सब्जेक्ट्स में
बहुत अच्छे मार्क्स आए, सब में 90+ आए, ओके, बट सिर्फ एक सब्जेक्ट, इंग्लिश, में मेरे बहुत कम मार्क्स आए, मतलब आई थिंक 65 समथिंग मेरे मार्क्स आए थे, सब में 90+ और इंग्लिश में मेरे 65 समथिंग मार्क्स आए थे। ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि इंग्लिश का फर्स्ट एग्ज़ाम था और मैंने बहुत लाइटली ले लिया कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और टाइम हो गया, मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरे मार्क्स वहाँ पर थोड़े कटवट गए थे। अब इसके बाद में मेरे परसेंटेज कम हो गए, क्योंकि अगर सब में 90+ हैं दैट मीन्स मेरे 90 अबव परसेंटेज होने चाहिए थे, लेकिन एक में 65 समथिंग आ गए, तो मेरे परसेंटेज कम हो गए। कितने हो गए मेरे परसेंटेज, अब मैं एग्जैक्ट बता दूँ ना आप लोगों को, हाँ ठीक है, तो मेरे हो गए 87%, ओके। अब मुझे बड़ा बुरा लगे, ठीक है, मैं भी आप ही लोगों की एज की थी ना उस एक टाइम पर, ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं बहुत रोती थी कि अरे मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स नहीं आए। हाँ, फाइनली मुझे वो कॉलेज मिल गया था, मतलब मैंने स्ट्रीम दूसरी ली थी तो दूसरी स्ट्रीम की वजह से मुझे मिल गया था, वो उतना कट ऑफ उस स्ट्रीम का नहीं गया था, एंड फाइनली मुझे वो कॉलेज मिल गया था और बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, अभी नाम नहीं लेना है। सो अब ये एक चीज़ हुई कि भाई मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो मैं बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई, और ये सबके साथ में होता है, ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, हम थोड़े से हर्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं करी, ठीक है। ये सेम चीज़ आपके साथ भी होती होगी, बहुत बार ऐसा भी होता होगा, देखो ये एक नॉर्मल जो सभी जनरल स्टूडेंट्स के साथ में ये एक चीज़ होती है। अब सबकी लाइफ में सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, आपके घर में कुछ अलग सिचुएशन होगी, किसी और के घर में कुछ अलग सिचुएशन होगी, किसी के घर में कुछ और अलग सिचुएशन होगी, तो हमको थोड़ा, हम लोग सब बिल्कुल अपनी फैमिली वगैरह को भी देखते हुए चलते हैं, फैमिली का भी सोचते हैं, अपनी पढ़ाई भी करते हैं, तो जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आ रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे थॉट्स हमको परेशान कर रहे होते हैं। कभी आप करियर प्लानिंग करने बैठे हो, आपकी एज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है, 11th 12th वाले, कभी करियर प्लानिंग करने बैठे हो आप, आपने देखा होगा जब भी आपका ये डिसीजन बना होगा ना कि 10th के बाद मुझे 11th में क्या सब्जेक्ट लेना है, बहुत इजी होता है ये, 10th के बाद 11th में क्या सब्जेक्ट लेना है बोलना, बट एग्जैक्टली वो सब्जेक्ट चूज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, कि पहले सब्जेक्ट को देखो, चॉइस को देखो, फिर उसके बाद में क्या क्या जो है स्कूल में अवेलेबल है सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, सारा गणित करना पड़ता है, मैथ्स करना है, कैलकुलेशन करना है, फाइनली हम एक कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं, और उस कंक्लूजन के बाद भी, मतलब सब्जेक्ट लेने के बाद भी हम थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, हमारा डिसीजन सही था या हमारा डिसीजन रॉन्ग था। तो उस एक टाइम पर आपने कभी फील किया होगा जब आप करियर प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे होगे, इतने सारे थॉट्स आते हैं ना, इतने सारे थॉट्स कि आपको ऐसा लगेगा छोड़ो छाड़ो, देखेंगे जो होगा वो आगे हम कर लेंगे। कोई बोलेगा आपको CA बन जाओ, कोई बोलेगा IAS की प्रिपरेशन करो, कोई बोलेगा लॉ करने लग जाओ, कोई बोलेगा टीचिंग लाइन में जाओ, कोई बोलेगा इंजीनियर बन जाओ, कोई बोलेगा बैंकिंग एग्जाम क्लियर करो, इतनी सारी चॉइसेस, ठीक है, और उतनी ही सारी चॉइसेस में भी फिर सब चॉइसेस, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लेना, फिर आपका अपना इंटरेस्ट, फिर पड़ोस की आंटी कुछ बोल रही हैं, घर में मम्मी कुछ बोल रही हैं, चाची कुछ बोल रही हैं, बुआ कुछ बोल रही हैं, फूफा जी कुछ बोल रहे हैं, और ऐसे करके इतने सारे ओपिनियंस कि आपका एक टाइम आता है आप कान बंद करते हो, आंख बंद करते हो, चिल्लाते हो जोर से, अरे बस, इस तरीके से होता है ये चीज़ कि नहीं होता, बताओ, लगता है ना ऐसा, भरे चिल्ला नहीं पाते होगे घर में रहते होगे, बट ऐसा लगता है ना, आंख कान सब बंद करो और बोलो बस, बिल्कुल चुप हो जाओ सबके सब, आप बहुत तेज़ हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सबके साथ में होती हैं, आप शायद करियर को लेकर हो रहे हो, कोई और पर्सन शायद अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो रहा होगा, कोई और पर्सन अपने गोल्स की वजह से हो रहा होगा, तो ये एक फेज सबके साथ में होता है, हर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है किसी तरह के क्राइसिस, जब आप कुछ इवेंट्स के साथ में कोप अप नहीं कर पाते हो, चाहे इमोशनली किसी तरह का कोई आपके साथ में, मतलब किसी तरह से आप इमोशनली हर्ट हो, चाहे किसी और तरीके का कोई भी रीज़न हो, बट दिस इज़ दी फैक्ट कि ये चीज़ सबके साथ में होती है। हम सबकी कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं, हमारे कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं चाहते कि वो हमारी लाइफ में दोबारा से आए, ठीक है, आपके भी अपने होंगे। इट रिजल्ट्स इन हाईली जनरलाइज्ड एमनेशिया। वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच फ्लाइट्स इज द इमर्जेंस ऑफ डिसऑर्डर नोन एज फ्यूग्यू स्टेट। ये लो, ये आगे आपके लिए एक बढ़िया सा नया सा कंसेप्ट, दैट इज फ्यूग्यू स्टेट। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, इट्स फ्यूग्यू या इट्स फ्यूजू या इट्स फूजू, ठीक है, मतलब इस एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, बट प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ ऐसा ही है, फ्यूजी स्टेट, इसको हम बोलेंगे FS। ओके,
अब ये जो एक तरीके का आपके साथ में दिक्कत हो रही है ना कि इतने सारे मतलब चीज़ें हैं दिमाग में आ रही हैं, इतना कुछ परेशान कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमको एमनेशिया की तरफ ले जाता है, ओके? और ये एमनेशिया धीरे धीरे करके इस FS यानी फ्यूजिव डिसऑर्डर स्टेट ऑफ डिसऑर्डर में रिजल्ट करने लग जाता है. पर्सन हु बिकम विक्टिम्स ऑफ सच अ स्टेट अज्यूम अ न्यू आइडेंटिटी नेम एड्रेस एक्सेट्रा. मतलब ये है कि देखो हर एक पर्सन परेशान होता है, हर एक पर्सन अपनी अपनी लाइफ में परेशान होता है. जस्ट सपोज हमारे पास में ये 3 पर्सन्स हैं, इन सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम है. आपने एक बहुत ही पुराना गाना है, मुझे नहीं पता आप लोग ओल्ड म्यूजिक सुनते हो या नहीं, बट एक सॉन्ग है ना कि वो दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, कुछ इसी तरीके से. तो देखो हम सबको ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, हम सबको ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम से बड़ी इस दुनिया में और कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, मेरे साथ में जो हो रहा है वो इस पूरी दुनिया का सबसे बुरी चीज़ हो रही है. बट द थिंग इज कि सबके लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम बड़ी होती है. आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप 12th के बाद कौन सा कॉलेज लो, ठीक है, और आप उस एक चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो या आप करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हो, ये आपकी प्रॉब्लम है. देयर इज समवन जिसको ये भी नहीं पता कि मुझे शाम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी प्रॉब्लम बड़ी हुई या आपकी प्रॉब्लम बड़ी हुई? ऑब्वियसली आप बोलोगे उसकी प्रॉब्लम बड़ी हुई. क्लियर? ऐसे सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको ऐसा लगता है. मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत हो, आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ओके? तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सब किसी ना किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, किसी ना किसी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. अगर मैं इन 3 लोगों की बात करूँ, जस्ट सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, इन तीनों की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तीनों की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी हो सकता है. सॉरी, हो सकता है इनके बच्चों की शादी होने वाली है तो वो इनको इस एक चीज़ को लेके टेंशन हो रहा है, इनके घर में जो है मतलब बहुत ही पुअर फैमिली है तो बच्चों को कैसे बड़ा करेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम है. ये बिजनेसमैन है, इसको प्रॉब्लम है कि भाई मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा. तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में होती हैं. कभी कभी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक हमारे लिए ट्रॉमेटिक कंडीशंस बन जाती हैं, ठीक है? क्या बन जाती हैं? ट्रॉमेटिक कंडीशंस, यानी उनको अब झेल पाना हमारे लिए इजी नहीं हो पाता. मान लो जैसे ये एक पुअर पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा पावर्टी को फेस कर रहा है, इसके बच्चे हैं, बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे घर को जो है मतलब पालेंगे पोसेंगे, कैसे घर का भरण पोषण करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेके ये बहुत ही परेशान इंसान है. किसी रीज़न से इसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, मतलब मान लो इसको जॉब मिल ही नहीं पा रहा है, ये बहुत कोशिश कर रहा है बट इसको कहीं भी कोई जॉब नहीं मिली, इवन लेबर की भी जॉब नहीं मिली. जॉब नहीं है तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं है तो किसी रीज़न से इसके, फॉर एग्जांपल मान लो 3 बच्चे थे, 3 में से एक की आउट ऑफ हंगर डेथ हो जाती है, 2 बच्चे बचते हैं. अब ये बहुत मतलब बहुत एक तरीके का ये ट्रॉमा ही है ना कि एक बच्चे की डेथ हो गई आउट ऑफ हंगर. अब इस बच्चे के दुख में मान लो इसकी जो वाइफ है उसकी भी डेथ हो जाती है, अब बच्चे 2 बच्चे, ठीक है? तो ये सोचता है कि यार मेरे बच्चे हैं, मैं इन 2 बच्चों को कैसे पालूंगा, कैसे क्या करूंगा. तो ये बहुत जगह कोशिश करता है, बहुत काम करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं इसको कोई काम मिलता है, लेकिन वहाँ से इतना पैसा नहीं मिल रहा था, वहाँ से इतना पैसा नहीं मिल रहा था कि 2 बच्चों को जो है मतलब पढ़ाई वढ़ाई भी कर पा पाएँ, उनको एक अच्छी लाइफ दे पाएँ, वो बस उनको खाना खिला पाते थे, ठीक है? अब ये लोग 3 बच्चे, मतलब फादर उनके 2 बच्चे, और ये लोग थोड़ा अपनी लाइफ वगैरह को जी रहे थे जैसे तैसे करके, इस ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर उन्होंने अपने 1 बच्चे और बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया था, ठीक है? अब ये लोग कोशिश कर रहे थे. मीनवाइल ये काम से बाहर जाता है, ये काम से बाहर जाता है और इसके जो 2 बच्चे हैं वो बाहर ही घूम रहे थे और कोई कार आती है स्पीड में और दोनों बच्चों को क्या कर देती है, मतलब बिल्कुल उनको उड़ा देती है, ठीक है? अब दोनों बच्चों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है. आप लोग सोचो कि मैडम कितनी बुरी कहानी आप हमको सुना रही हो, बट दिस इज समथिंग ना, हमको अभी ये एमनेशिया फ्यूजिव स्टेट इन सारी चीज़ों पर आना है, इसीलिए इतनी बुरी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, है ना? हम नहीं सुनना चाहते ना इन चीज़ों को, हम इन चीज़ों को कभी सोचना भी नहीं चाहते. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिप्रेस्ड मेमोरीज, ठीक है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है? सो अब किसी रीज़न से इसके बेचारे के ये 2 बच्चे भी खत्म हो जाते हैं.
अब इसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, इंसान है सुसाइड भी नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब वो ऐसा पर्सन नहीं है ना कि वो सुसाइड कर ले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ थी, उसने बहुत फेस किया सालों तक, मतलब अपने इस दुख से वो बिल्कुल उबर नहीं पाया, ठीक है, इन सारी चीज़ों से कभी वो ऊपर ही नहीं आ पाया कि वाइफ को भी खो दिया, बच्चों को भी खो दिया, कोई नहीं बचा है पूरी फैमिली में, सिर्फ वो एक अकेला पर्सन है, कैसे वो इन चीज़ों से गुजरे। तो अब एमनेशिया तो हुआ ही, साथ ही साथ में वो पहुँच गया एक फ्यूजिव स्टेट में, मतलब अब ये पर्सन क्या करता है, ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसे कुछ समझ में नहीं आता, काम पर ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये चला जाता है यहाँ से। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक्स जगह पर रहता था, इस जगह को ही छोड़ता है और किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरी जगह पर जाकर सेटल हो जाता है, ओके, वहाँ जाकर सेटल हो जाता है और वहाँ पर जाकर जो है अपनी लाइफ स्पेंड करने लग जाता है, अपना नाम बदल लेता है, अपनी आइडेंटिटी को बदल लेता है, अपने एड्रेस को बदल लेता है और सारी चीज़ों को बदल के एक नई लाइफ स्टार्ट करता है, ताकि जो उसकी ये रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं वो कभी भी उसके पास वापस ना आए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, क्लियर। तो इस एक चीज़ को आया आपको समझ में कि ऐसे करके क्या होता है कि आप एक फ्यूजिव स्टेट में पहुंच जाते हो, जहां पर आप इन सारी, मतलब वो उसको होल्ड कर पाना इतना ज़्यादा हैवी हो गया है इन फीलिंग्स को, कि वो एक बिल्कुल अलग ही स्टेट में पहुंच जाता है, सारी चीज़ को बदल के कहीं अलग किसी और तरीके से रहना स्टार्ट कर देता है। दे हैव टू पर्सनैलिटीज एंड वन नोज नथिंग अबाउट द अदर, फॉरगेटफुलनेस और लॉस ऑफ मेमोरी अंडर स्ट्रेस एंड हाई एंग्जाइटी इज नॉट अनकॉमन। तो अब इस पर्सन की दो पर्सनालिटी हो गई है, एक पर्सनालिटी जो वो यहाँ पर जी रहा था, यहाँ पर जो लाइफ जी रहा था, और सेकंड जो उसने यहाँ एक न्यू प्लेस पर आके अपनी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर क्या एक चीज़ हो रही है कि अब ये जो सेकंड पर्सनालिटी बन चुकी है एक ही पर्सन की, वो इस पुरानी पर्सनालिटी को बिल्कुल भी नहीं पहचानता। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हो, तो भूलना या लॉस ऑफ मेमोरी दैट इज़ वेरी कॉमन। आप देखो जैसे मान लो आपको कहा जाता है ना एक चीज़, ये एग्जांपल आई होप्स आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक बिल्कुल सिंपल सा था, है ना। अब देखो आपने ये चीज़ कभी देखी है, आप जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम्स हैं और आप एग्ज़ाम्स को लेके बहुत स्ट्रेस ले लो, अरे भाई कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा, क्या नहीं हो पाएगा, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा तो कुछ कंप्लीट ही नहीं है, इतना सारा कोर्स आने वाला है, इतना सारा सिलेबस, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बेटर है आप पढ़ने बैठ जाओ, है ना। ये चीज़ पॉसिबल है ना, कि हम जनरली क्या करते हैं, एग्ज़ाम है तो हम एग्ज़ाम को बहुत बड़ा बना देते हैं, अरे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। बेटर है कि आप पढ़ने बैठ जाओ। अगर आप पढ़ भी रहे हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ते भी रहते हैं बट स्टिल उनको स्ट्रेस रहता है कि यार पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा, मैं लिख पाऊंगा या मैं नहीं लिख पाऊंगा, सेल्फ डाउट आने लग जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो चीज़ स्ट्रेस में बदल जाती है, ठीक है, और फिर आपको जो भी आपने याद किया है वो धीरे धीरे करके फॉरगेट करने लग जाते हो, भूलने लग जाते हो। एक और एग्जांपल दूँ मेरा पर्सनल लाइफ का, ठीक है, मज़ेदार एग्जांपल देती हूँ मैं, मेरी लाइफ बड़ी एडवेंचरस रही है, मतलब रही क्या, अभी तो है, मेरी बहुत लाइफ है अभी तो, मैं मतलब थोड़े बहुत जितना भी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे कॉलेज में मेरे साथ में एक मेरी फ्रेंड थी, ओके, सो वो बहुत, मतलब उसकी हाइट वाइट बहुत छोटी सी थी, तो बड़ी बिल्कुल छोटी सी दिखती थी, और वो पढ़ाई को लेकर ना बहुत स्ट्रेस लेती थी। जब हम लोग कॉलेज में आए थे, हमारा कॉलेज नॉर्मल कॉलेज नहीं था, लाइक अ लैविश लाइफ और मतलब बिल्कुल मज़े कर रहे हो, बंक कर रहे हो, ये वो, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल स्कूल जैसे पढ़ाई हमारे कॉलेज के अंदर हुआ करती थी। तो अब हम वहाँ पर जाते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ समझ में आती है ना, आप सोचो एकदम से आपको सब समझ में आ जाए तो नहीं होगा। तो जब हम लोग पढ़ने बैठते थे, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती थी, समझते थे। फिर हमारे कॉलेज में एक टेस्ट वगैरह हुआ करता था, दैट वॉज बेसिक जनरल नॉलेज टेस्ट, ओके। तो अब वो बेसिक जनरल नॉलेज टेस्ट है, तो उसमें बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और पूरे कॉलेज का होता था, सबका टेस्ट होता था, ओके। सो वो ना इस छोटी छोटी चीज़ों का बहुत स्ट्रेस लेती थी, जैसे मान लो कल क्लास टेस्ट है, अब जनरली 25 मार्क्स का क्लास टेस्ट होता था, और आपको टाइम भी दिया जाता था, बता दिया जाता था कि आपको कितना पढ़ना है, बट स्टिल उसको बहुत स्ट्रेस होता था, वो हर चीज़ में ऐसे सोचती थी, अरे यार मैं क्या करूँगी, मुझसे क्या हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, क्लास के बाद सीधे लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में हर एक चीज़ के लिए बुक्स सर्च करना, बैठ के पढ़ना, फिर वापस से जो है मतलब
सेकेंड डे फिर यही रूटीन चालू, फिर देखा कि कुछ बच्चे हैं वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मैं न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो हम क्या करें, एक तरह की, एक तो हम कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हम बार 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 जो है उन चीज़ों, मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं कि मुझसे ये भी नहीं हो रहा, मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और मुझसे कोई भी चीज़ नहीं हो रही। अगर आप 10 चीज़ों के ऊपर फोकस करो एक साथ में और आप बोलो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वो तो ऑब्वियस है आपसे नहीं हो पाएगा। क्लियर? आप लोग ऐसे सोचोगे ना, मैडम कितनी अपनी फ्रेंड की बुराई कर रही है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप भी कभी ऐसा सोचो कि भाई 10 चीज़ें हैं और एक साथ में सब कुछ करना है, नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे एक चीज़ को करो, दूसरे टाइम पे दूसरी चीज़ को करो, सो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप सोचो मैं सब कुछ एक साथ में कर लूँ, तो वो नहीं हो सकता। ओके, तो वो बहुत स्ट्रेस लेती थी कि टेस्ट है तो टेस्ट का स्ट्रेस है, जीके टेस्ट हो रहा है तो जीके टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे, उसके मार्क्स ना ही, मतलब उसके मार्क्स का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता था, बहुत मतलब मार्क्स का वेटेज होता था बट स्टिल वो ऐसा इतना ज़्यादा उसको वो नहीं किया जाता था, ऐसे बहुत बड़ा नहीं बनाया जाता था। दैट वॉज बेसिक, का टेस्ट आपको जाना है, आपको देना है, उसके लिए कोई सिलेबस नहीं है, दैट्स जस्ट योर जनरल नॉलेज टेस्ट। ओके, अब वो उस एक टेस्ट को लेकर बड़ी परेशान होती थी, उस टेस्ट के लिए भी वो पढ़ाई करती थी, बल्कि पता हमको होता ही नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इतना सारा कुछ पढ़ा रहे हैं दुनिया के अंदर, कहीं से कुछ भी उठा के दे देते थे। ओके, अब वो उसको लेके भी स्ट्रेस करना, तो मैं मतलब उसके साथ में थी, तो मैं उसको बहुत समझाती थी कि देखो आप आराम आराम से करो, एक एक करके करो, अगर तुम सारी चीज़ों को साथ में करने की कोशिश करोगी तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे आपको समझा रही हूँ ना, वैसे उसको समझाती थी, मतलब उसने सुना मेरा थोड़ा बहुत, बट मेरे साथ तो वो थोड़े ही टाइम तक रहती थी ना कॉलेज में, बाकी जो उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसको जिस भी तरीके से जैसे भी वो रहती थी, एक टाइम ऐसा आया, मतलब थर्ड ईयर तक आते आते, फर्स्ट सेकंड ईयर हो गया, सेकंड ईयर में वो बहुत कम आना उसने स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल आना मतलब ना के बराबर कर दिया, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, बहुत बहुत दिन हो जाते थे। सो वन डे व्हेन वी वर इन थर्ड ईयर, सो मैं एक दिन डिपार्टमेंट में थी एंड आई वॉज हैविंग अ टॉक विथ माई प्रोफेसर। ओके, तो मेरी जो प्रोफेसर थी उनके साथ में मैं बात कर रही थी किसी काम को लेके, सो सडनली आई सॉ कि वो लड़की और उनके पेरेंट्स, दे केम, ओके, और वो आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। आई वॉज ऑल्सो देयर, क्योंकि मैम ने बता दिया था कि ये इसकी फ्रेंड है। ओके, तो वो आते हैं और वो बताते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ती तो बहुत है, ठीक है, लेकिन वो डिप्रेस्ड हो चुकी है, ठीक है, वो बिल्कुल डिप्रेशन वाले स्टेट में जा चुकी थी, उसको डिप्रेशन हो गया था, लिटरली पता है उसको डिप्रेशन हो गया था, वो मतलब इतना ज़्यादा उसने स्ट्रेस ले लिया था ना कि उसको डिप्रेशन हो गया था। एग्ज़ाम देने आती थी, उसको पता होता था लेकिन लिख नहीं पाती थी, भूल जाती थी वो सारी चीज़ों को। सो ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है, और पता है फिर मतलब बाद में वो टीचर्स ने हेल्प आउट किया, वो सारा कुछ तो हो गया सॉर्टेड, बट अब वापस यहाँ पर क्लास में आओ तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आप स्ट्रेस लेके कोई काम करोगे, आप एंग्जाइटी में कोई चीज़ करोगे, तो भूलोगे सारी चीज़ों को। ये बिल्कुल कॉमन है, फॉरगेटिंग इज कॉमन। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, अगर आप एंग्जाइटी में हो, तो फॉरगेटिंग होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो बिल्कुल अलग है, वो क्या है कि इतना स्ट्रेस और इतनी एंग्जाइटी कि आप अपनी आइडेंटिटी को ही भूल चुके हो। आ रहा है समझ में? तो बहुत बार ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसको आप कभी नहीं चाहते, आप कभी उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहते कि ये चीज़ दोबारा मेरी लाइफ में हो, तो आप उसके बारे में सोचते ही नहीं हो, आप उसको मेमोराइज़ ही नहीं करते हो, क्योंकि वो मेमोराइज़ होगी तो आप फिर से सोचोगे, आपको फिर से बुरा लगेगा। हम कभी नहीं चाहते हमको बुरा लगेगा। मुझे आप लोग पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ते हो या आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है, थ्योरी दी है जेरेमी बेंथम ने, और जेरेमी बेंथम बात करते हैं यूटिलिटी की। तो मतलब बेसिक जो उनकी थ्योरी, अभी मैं आपको इतना पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाऊंगी, बेसिक एक उनकी थ्योरी है प्लेजर और पेन। वो बात करते हैं कि आपको किन चीज़, किन काम को करने से खुशी मिलती है और किन चीज़ों को करने से आपको दुख होता है, तो ये दो चीज़ों की बात वो करते हैं। मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर दी, बट मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, हम सब क्या चाहते हैं, हम सब प्लेजर ही चाहते हैं, हम सब चाहते हैं सिर्फ वही काम करें जिससे हमको सुख मिले। कौन चाहता है कि जाके जो है मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट कर दो और मुझे लग जाए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है? कोई ऐसा है जिसको ऐसा अच्छा लगता है कि मुझे लग जाए, मुझे चोट लग जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या मतलब किसी तरह का कोई पेन मुझे होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा? किसी को ऐसा लगता है क्या? पेन का मतलब यहाँ सिर्फ चोट ही नहीं है, मतलब आपको किसी तरह की इंजरी होगी वही नहीं है, किसी भी तरह का पेन, कोई भी चीज़, अगर
वो आपको पेन देती है, वो आपको किसी तरह से हर्ट करती है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे उस काम को करना। हम हमेशा क्या चाहते हैं, हम हमेशा प्लेजर वाले काम को करना चाहते हैं, हम हमेशा वो चीज़ करना चाहते हैं जिससे हमको खुशी मिले। जैसे मान लो आपको भूख लगी है तो क्या करोगे, खाना खाओगे, खाना खाओगे तो अच्छा लगेगा, पेट को खुश हो जाएगा, पेट बढ़िया नींद लोगे, है ना, खा के सो जाते हो सबके सब बढ़िया से। सो हम वही करते हैं ना कि यार भूख लगी है तो खाना खाएंगे अच्छा लगेगा। कोई ऐसा करता है क्या कि भूख लगी है तो और दो दिन तक खाना नहीं खाता हूँ, अपने पेट का टेस्ट लेता हूँ आज, ऐसा कोई करता है क्या? साइकोपैथ हो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल इस चीज़ को करना बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर यही एक चीज़ बोली जाती है कि हम कभी नहीं चाहते कि ऐसी रिप्रेस्ड मेमोरीज़ हम याद करें, हम उसको कहीं किसी अपने अनकॉन्शियस कोने में फेंक देते हैं मेमोरीज़ के, जहाँ से वो कभी भी दोबारा वापस उठ के ना आ सके। तो यहाँ पर आपको एक रिप्रेस्ड मेमोरी का कंसेप्ट समझना है, एक आपको एमनेशिया समझना है, एंड थर्ड इज़ द फ्यूजू स्टेट, इस एक चीज़ को आपको समझना है। Many hardworking and ambitious students aspire for high scores in final exam. देखो देखो NCERT वही example दे रही है जो मैंने अभी तुमको दिया कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो exam में अपने according marks पाने के लिए, जैसे मेरे को 95% चाहिए थे तो मैं बहुत पढ़ाई करती थी, ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप भी बहुत पढ़ाई करते हो, आप बिल्कुल हार्ड वर्क करते हो एम्बिशंस के साथ में, और ऐसा कि मतलब घंटों तक पढ़ाई करना, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिल गए तो बहुत नर्वस हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एंड फॉरगेट एवरीथिंग दे हैड प्रिपेयर्ड वेल, या फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि एग्ज़ाम हॉल में जाके जो पढ़ा था वही भूल जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आया समझ में? अब देखो, अब आप बोलोगे मैम कैसे नहीं होगा, तो ये चीज़ तो बिल्कुल मतलब इन जनरल है, बेसिक है कि सबके साथ में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबको लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो हम चाहते हैं ये चीज़ कभी हमारे साथ में ना हो, ओके। तो वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको हम पटक देते हैं हमारी मेमोरी के किसी एक कोने में ताकि वो दोबारा कभी उठ के ना आए, और हम इवन उसको मेमोरी में रखना ही नहीं चाहते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ओके, हम उसको कभी मेमोराइज़ करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसके बारे में बार बार सोचोगे, आप बार बार स्ट्रेस लोगे, आप बार बार एंग्जाइटी में रहोगे, तो आपको हो जाएगा एमनीशिया, आपको क्या हो जाएगा, एमनीशिया हो जाएगा, और उसकी वजह से आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूलने लग जाओगे, समझ रहे हो। और देखो ये सिर्फ रिप्रेस्ड मेमोरीज़ के साथ में नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी मेमोरी पर फ़र्क डालती है, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये आपकी पूरी मेमोरी है, ये आपकी पूरी मेमोरी है, आप इस मेमोरी में से सिर्फ इस एक चीज़ के बारे में बहुत सोचते हो, दिन रात सोचते हो, सुबह सोचते हो, दोपहर में सोचते हो, खाना खाते हुए सोचते हो, वॉशरूम में जाते हो तब सोचते हो, नहाते हुए भी सोचते हो, सोते हुए मतलब सो गए तो नींद में चले गए, नहीं तो आपको इतना ज़्यादा इस एक चीज़ को लेके आप बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो कि आपको सपने में भी इसी चीज़ के बारे में याद आता है। तो मतलब आप किसी एक चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो कि आपकी बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं गायब होने लग जाएंगी, और इससे आपकी मेमोरी पर फ़र्क पड़ेगा, इससे आपकी मेमोरी पर फ़र्क पड़ेगा, आप सारी चीज़ों को रिकॉल एनालाइज़ नहीं कर पाओगे, आप मेमोराइज़ नहीं कर पाओगे। तो कोई भी, वो बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, तो वैसे यहाँ पर अगर आप किसी भी चीज़ को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो तो दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर मेमोरी। इज़ इट ओके टू यू? Is it clear? I hope so clear हो गया होगा, कोई doubt नहीं होगा यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें। कोई doubt है तो कहाँ बताओगे? Obviously comment section में बताओगे मुझे, और क्या करोगे साथ साथ में, इस topic को read, very good। तो जो भी अभी तक पढ़ा है उसको read करना है, कोई doubt है तो मुझसे comment section में पूछना है, कोई doubt नहीं है तो क्या बोलोगे? No ma'am, we don't have any doubt, everything is clear, okay? और कोई doubt है तो ये नहीं बोलोगे yes ma'am doubt, सीधा doubt लिखोगे, what is mean by this or what do you understand by, जो भी आपका doubt है इस तरीके से। Is it clear to you? कोई doubt नहीं है ना अभी तक, मतलब मैंने जो बोला उसमें तो कोई doubt नहीं है। So I hope so ये topic भी clear है, so we will meet in the next lecture जहाँ पर हम और भी interesting topics को discuss करेंगे। I hope so यहाँ तक सारी चीज़ें clear हैं, अब मिलेंगे next lecture में। पर जाते जाते एक और छोटी सी और बहुत important information आप लोग लेकर जाओ कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। आपको ये तो पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स के जो डेली लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब चैनल पर आते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इसी के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, वेबसाइट पर सारे लेक्चर्स, सारे कोर्सेस, सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स, सारे लेक्चर्स, सब कुछ आपको मिलता है एक ही जगह पर।
और एक सीक्वेंस में मिलता है, और ऐसा नहीं कि एक या दो सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, सारे कोर्सेज मिलेंगे, सब कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। ओके, आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, गूगल में या किसी भी ब्राउजर में जाओ और एंटर करो www.magnetbrains.com। आप जैसे ही ये एंटर करते हो, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, जो भी क्लास पढ़ना है, उस पर क्लिक करना। जैसे मान लो आपको K-12 इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, तो आपने इंग्लिश मीडियम पर क्लिक किया। आपको कोई सी क्लास पढ़नी है, जैसे क्लास 11th पढ़नी है, तो आपने क्लास 11th पर क्लिक किया। उससे रिलेटेड आपको सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस दिखेंगे। आप स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लो आपको 11th साइकोलॉजी पढ़ना है, तो ये दिख रहा है आपको क्लास 11th साइकोलॉजी। आपको बुक का नाम भी दिखेगा, जो बुक आपको पढ़नी है। आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, ये सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। आपको जो चैप्टर पढ़ना है, जैसे मान लो आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, तो आप चैप्टर नंबर 5 पर क्लिक करोगे तो आपको सारे सब टॉपिक्स भी दिखेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। सबके आगे वॉच नाउ लिखा होगा। जो भी अब आपको टॉपिक पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो जो भी टॉपिक, जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट, कुछ भी पढ़ना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। बढ़िया से यहाँ पर पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, अच्छे से सारे अपने नोट्स वगैरह बनाओ, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछो। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको 100% फ्री क्वालिटी और बेस्ट टीचर्स के साथ में एजुकेशन मिलती है बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ आपको कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कूपन नहीं खरीदना, किसी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, सब कुछ फ्री है। अच्छे से पढ़ो, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी दिक्कत परेशानी के। सो आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है, तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।